चलिए आंटी जी के साथ चाय बना रहे हैं चूल्हा पे, इसको ये दीजिए। अरे हिंदी नहीं समझते, नहीं आते, हल्का भी नहीं आता। 80,000 का दो बैल लिए अंकल जी बोल रहे थे, देखिए ये हिसाब से लोडिंग कर रहे हैं ना, वही 22 टन माल होगा भाई, गाड़ी लोड हो गया और अभी टाइम बच गया है, 1 बजने वाला है। चलिए त्रिपाला संभालते हैं। देखिए सामने में रोड रहता है, मुझे निकालना है, देखकर निकालना है, क्योंकि जब भी आपको नींद आए आँख मारिए पानी, कैसे जाए अकेला ड्राइवर, अकेला गाड़ी चलाना पड़ता है। 700 किलोमीटर में गाड़ी चला दिया हूँ नॉन स्टॉप, कहीं रुके ही नहीं, खाना। नमस्ते भाई लोग, कैसे आप सभी भाइयों को हमारे नुगल को फिर से स्वागत है। और आपका भाई खेत में है, देखिए चारों तरफ अंकल जी का खेत है, जहाँ तक आपको दिख रहा है तो मस्त लग रहा है। रात को ना नींद बहुत मस्त आया, तो सुबह सुबह अंकल जी आए 6 बजे, उठो नहाओ, उठा के नहा दिए, तभी गए नहाए, अभी टाइम बज गया है 8 बज गया है। तो उधर में वो क्या बोलता, हम लोग उसको बोलते हैं कुआँ, बहुत बड़ा कुआँ वो बनवाए हुए है, उनका एक पोता है, इधर कौन है यार, हे मेरा आधा नाला से माथा चढ़ रहा है, ये बच्चा है, उनका पोता है, वो भैया का लड़का है। तो ये कितने का है, मराठी में बोल रहा है तो थोड़ा बहुत मैं समझ जाता हूँ, क्या बोल तू। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कुआं में मैं कहाँ आया हूँ, मस्त सीन है जी, देखिए। तो काट रहा है जी, इसको ना हलवा टाइट कर देंगे हम। ये देखिए मूंगा का पेड़ सजना, ये सब खाने वाला है ना, ये टाइट हो गया, ये टाइट, ये इसका क्या होगा, अब बच्चा होगा, ये में मछली है ना, ये मछली भी छोड़े हुए, देखिए मछली, और देख नीचे में मछली है, बच्चा बच्चा है। ये तरबूज का खेती है, वो कपास का है, गन्ने का है, बाजरे की है, और इसमें क्या है, मिर्ची भी है। तो रात के अंकल जी से बहुत लंबा, जहाँ तक वो दिख रहा है ना, 11 एकड़ का एक खेत है ना भाऊ। चलिए अच्छा है, मोदी जी यहाँ पर दिए, देखिए सोलर कितना में, ए पर आपको कितना पड़ा, ओ 19 को पड़ा, 19,000 एक का। देखिए 19,000, देखिए इतना बड़ा सोलर मिला है फ्री में, दो है, इसी पे चलता है इनका मोटर ना, इसमें 8 पैनल 8 है ना, इसमें पैनल 10, एक में 10 पैनल है, बताइए नहीं भी तो 3 लाख का 2 लाख का होता। देखिए पानी चल रहा है, क्या भाव, क्या होना, मजे, क्या नाम होना, दीपक है नाम होना, गुटका खाना, खर्रा खाना। आपका भाई अभी चूल्हा पे चाय बनाएंगे, अभी आंटी को चाय बना के खिलाएंगे, पिलाएंगे, हम भी बंगला बोलने लगते हैं। देखिए इसमें दूध है ना, अचार क्यों लाए, चीनी दूध, देखिए अभी देखिए इस पर चाय बनेगा चूल्हा पे। एक भाई था ना दीपक भाई, अभी भैया से बात की, उनको ना शादी नहीं हो रहा है, लड़की नहीं मिल रहा है जी, इधर बताइए, इधर लड़की नहीं मिलता, हम लोग इधर में बचपन में शादी हो जाता है। हाँ। क्या आंटी जी इधर हाँ। लड़की नहीं है ना, नहीं। चलिए आंटी जी के साथ चाय बना रहे हैं चूल्हा पे, इसको ये दीजिए। महाराष्ट्र मेरा और एक दोस्त है, वो भाई का ना 30 साल उम्र हो गया, उनको शादी नहीं, उनको लड़की ही नहीं मिल रहा है, लड़की मिलता भी है तो बोलता है नौकरी वाला खोजता है ना आंटी जी, नौकरी वाला खोजता है, बताइए बेचारा लड़का लोग ऐसे चला जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा। आज आपका भाई चाय बना के पिएगा, शक्कर डाले, डाल दिए, नहीं हिंदी नहीं समझते, नहीं आते, हल्का भी नहीं आता। कुत्ते में गाओगे? चाय सुबह सुबह का मजा। चाय तो मैं वैसे पीता नहीं हूँ, बाकी घर का चाय उसने पी लिए, ये बच्चा है बहुत बोलता है, ले जाएंगे पकड़ कर। टाइम बच चुका है 9:30 और सुबह सुबह आंटी खाना खिला रहे हैं, चाय पिए वाला खाना खा लीजिए, देखिए खाना है बैगन का, क्या बैगन फ्राई, और ये रोटी है गेहूं का रोटी,
आज लावली ना रानात निकल जाती तुम तरडो। सब्जी बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर सब्जी है बैंगन का, अच्छा लगा। बैंगन खाने का आम का अचार पानी आना तो भरो इसमें। वाह, एकदम लगता है घर जैसा खाना खा रहे हैं, अच्छा लगा। बहुत सुंदर। हेलो हेलो, लेबर भाई लोग आ गए हैं अभी, लेबर लोडिंग चालू हो गया है क्या भैया? अभी टाइम बच गया है 11:30, तब तक हो जाएगा ना? हो जाएगा ना, एक घंटे में हो जाएगा। फिर देखिए आपको बैल दिखाते हैं, अभी उठा है, 80,000 का दो बैल लिए अंकल जी बोल रहे थे, ये और ये दोनों 80,000 का है, ये सही है, वो खचरा है। उधर नहा लो पानी में, जो हिसाब से लोडिंग कर रहे हैं ना वही 22 टन माल होगा, 21-22 टन 22.5 टन माल जाएगा, क्योंकि तो माल ज़्यादा डाल नहीं रहे। चलिए खाते हैं। अंकल जी का ये बैल है, ये कितने में लिए थे? ये 80,000 में। 80,000 में तो ये दो बैल लिए थे, और 80,000 का दो बैल है, अच्छा है, बहुत मस्त है। कब लिए? अच्छा लगा, बहुत माने, खाना पीना चाय पानी ना, सुबह में आके उठा दिए, उठो उठो नहाओ। आप लोग क्या बोलते उसको नहाने का? मराठी में अंगूर बोलते। अंगूर बोला, अंगूर का अंगूर, अंगूर क्या करो भाई, फिर बोलते नहाओ। चलिए इसको काटते हैं, खाते हैं। सामने आओ बच्चा, वाओ। जब लोग खाते हैं देखते हैं खाकर कैसा लग रहा है, एकदम पेड़ का ताजा है, अभी अभी तोड़ के लाए है। बहुत ठंडा है, खाने में अच्छा लग रहा है। कितना किलो तरबूज होगा? 5 किलो। 5 किलो तरबूज है, काट रहे है मेरे। गोली का मुकदमा रहे। वो भाव आ रहा है। हेलो हेलो, आपका भाई गाड़ी लूट हो गया, और अभी टाइम बच गया है, 1 बजने वाला है। चलिए चलिए त्रिपाल साहब मार के मिलते आप लोग से, पूरा हालत खा हुआ है जी, पूरा पसीना से अभी भीग गए थे। बारे पार्टी गाड़ी को रोके हुए, पता नहीं क्या उन लगा लफड़ा है, पैसा का, पैसा मिलेगा तभी यहाँ से गाड़ी छोड़ेंगे। देखिए क्या होता है, आप लोग इन्फॉर्म करेंगे क्या लफड़ा है। दो आना गाड़ी यहाँ पर ठहरा होगा लूट करके, तभी गाड़ी आपका भाई कहाँ से कहाँ आ रहा था। चले चलते हैं, देखिए सामने में रोड रहता है, मुझे निकालना है, देख कर निकालना है, क्योंकि सामने में थोड़ा लफड़ा है, निकालेंगे प्यार प्यार से निकालेंगे, बाएं में मुझे देख के जाना पड़ेगा। देखिए गाड़ी निकल गया है, निकाल लिए, दोनों साइड में गड्ढा था, हल्का होता था भाई कि बस गाड़ी अंदर गया था क्या भाई। गाड़ी का वजन हो गया है, देखिए माल हुआ है 22 टन 40 किलो माल हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, तो अंकल लोग गाड़ी को रोके हुए है, क्योंकि उनका पैसा भी मिला नहीं है, माल का पैसा मिलेगा तभी वो यहाँ से गाड़ी को छोड़ेंगे। चलिए क्या करे, पपीता कल लिए थे, पेपर में से लपेट देंगे ना, तो ये पक भी जाएगा, काला भी नहीं होगा। तो भैया बोले थे इसमें पेपर में लपेट दीजिएगा, नहीं तो काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए पेपर में इसको लपेट देते हैं। और देखिए ये क्या है, राम फल, ये सबसे अच्छा फल है राम फल, बहुत मीठा होता है। और देखिए मौसम्बी, मौसम्बी भी ले लिए है, खाते चलेंगे, गाड़ी चलाएंगे, खाएंगे, दो आम ले लिए है, मीठा वाला आम है। हेलो, पारी लोगों को पैसा मिल गया है ना, तभी गाड़ी छोड़े है, तो अभी टाइम बच गया अपने को, 4 बजने वाला है, तो अंकल जी चाय पिलाए है, यहाँ का चाय इतना भैया मुझे अच्छा लगा ना, डोली का भी चाय फेल है, बहुत सुंदर चाय का भाव, गलत बोल रहा हूँ, बहुत चाय मुझे अच्छा लगा जी, जितना भी चाय पिया हूँ सबसे बेस्ट यही है, और एक जगह पिए थे मुझे बहुत अच्छा लगा था। चलिए चलते हैं, बाबा के नाम ले गए, हर महादेव, अरे भाई हट जा, अच्छा है ना, अच्छा जी। देखिए अभी जाएंगे जलना, अभी हम जलना निकलेंगे, देखिए सामने में पहाड़ के ऊपर देखिए मंदिर है, इधर आइए, इधर इधर देखिए पहाड़ के ऊपर मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। चलिए अभी से गाड़ी आपका भाई प्रतिदिन चलाएंगे, हालत का जब तक कलकत्ता नहीं पहुंचते जब तक मेरा चैन नहीं मिलेगा, क्या भाव?
कच्चा माल है ना जी, गाड़ी इतनी लेट हो गया है तो गाड़ी को मार नहीं खिलाना है, अभी चलते रहना है। टाइप करते हैं अब कंटिन्यू। अब बाबा शांत और देखिए इधर में खेती, ये सब ना गन्ने की खेती है, अभी हो गया है फिर से नया नया हो रहा है। ये जवार की खेती है ना, ये जवार की खेती है। चलिए हेलो टाइप करते हैं, सिंगल सिंगल लगता है, चलिए सबको चेक करते हैं। भाई आ गया अंबड़, देखिए ये अंबड़ है, बहुत दिन के बाद आया जी, बहुत दिन के बाद आया हूँ। देखिए पहले ये सब रोड नहीं था, सिंगल रोड था, अभी देखिए फोर लाइन रास्ता बन गया है, टू लाइन। अब देखिए मस्त लग रहा है देखने में। और यहाँ से मुझे जलना जाना है 30 किलोमीटर। हेलो भाई, आपका भाई आ गया जलना से, आगे डीजल ले रहा हूँ, भारत का पंप है, और पंप गाड़ी में डीजल ले लिए, वहाँ धो लिए है, मन फकवाल था धो लिए, चलिए यहाँ से निकलते हैं। एक बार चलते रहता था नागपुर, नॉन स्टॉप यहाँ से नागपुर है 400 किलोमीटर, चलते हैं ताजपुर देख के। आपका भाई बेकर आने वाला है, और सामने से इतना हवा चल रहा है ना, गाड़ी नहीं चल रहा है, देखिए डाउनहिल में गाड़ी, देखिए डाउनहिल में गाड़ी है, अल्लाह ला जा रहे, बहुत हवा मार रहा है, झटका मार रहा है। हेलो हेलो, आपका भाई आ चुका है करंजा के पीछे, ये टूल टैक्स का नाम है बनोज टूल टैक्स, ये तो देखिए नीचे देखिए टूल टैक्स है ना, और वो दिख रहा है, तो गाड़ी ब्रिज के ऊपर मैं लगा रखा हूँ, नीचे में टूल टैक्स है। चलिए चलते हैं टाट देख के, यहाँ से निकलते हैं, देखिए हवा कितना चल रहा है, लगभग उड़ रहा है, बहुत हवा चल रहा है जी, देखिए टाट देख लेते हैं क्या हाल है, देख कर निकलते हैं। चलिए गाड़ी एजेंट हो रखा है, देखिए दाहिने साइड में देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, गाड़ी एजेंट हो रखा है, देखिए आप लोग दिखाते हैं क्या हुआ है। अरे बाबा रे, देखिए नींद में, देखिए नींद में मारते हुए गया है, देखिए अरे दादा रे, अब देखिए गाड़ी के बहुत बुरा हाल है जी, पर सामने से ना तो सब खराब हम पचपता हो रखा है, ये सब नींद में हुआ है समझे, इस वैसे में नींद हद से ज़्यादा आता है, अभी टाइम बच गया है एक के। हेलो हेलो, अभी टाइम बच चुका है 2 बज गया है, और यहाँ से नागपुर है 90 किलोमीटर। आपका भाई रात में गाड़ी चला दिए, अभी चलते रहेंगे, अभी हल्का हल्का नींद आ रहा है, चलिए आगे पानी मारते हैं, मुंह धोते हैं, आंख धोते हैं। यही है भैया डैबरी समझे, जमकावला से हुई, देर सुबह चलना पड़ता है, जब भी आपको नींद आए आँख मारिए पानी, थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर जैसे मज लीजिए, ऐसे पपनी पे ऊपर में खाना भी नहीं खाए, मैं चाय देखते आ रहा हूँ, चाय मिला तो पियेंगे, नागपुर में पहुँचने वाला हूँ, बताइए चाय नहीं मिला, इस वैसे बना दिया है बस, ड्राइवर लोग भाई पागल के पागल लेकर चलते रहो, सिर्फ पैसा ले रहा है, और ड्राइवर कोई सुविधा नहीं है, इस वैसे में कोई सुविधा नहीं है, ये कौन है भाई पीछे पीछे चल रहा है भाई, एक मारुति वाले हैं मेरे पीछे पीछे चल रहा है बहुत देर से, हलवा चाट कर देंगे हम, चुरवा सब होगा तो।
हेलो आपका भाई आ गया बनारा, और अभी टाइम देखिए बज गया 4:30 बजने वाला है। अभी डीजल ले रहे हैं, डीजल लेकर निकलते हैं कर्नाटक तक। रात में गाड़ी चला दिए, तेल खत्म हो गया था जी, रात भर में सब तेल खत्म हो गया, इतना गाड़ी चला दिए। नॉन स्टॉप का भाई आ गया क्या भंडारा, वहाँ निकले तो लोड आ गए क्या भंडारा आ गए 600 किलोमीटर। अभी और गाड़ी चलाएंगे, अभी आगे जाएंगे 500 किलोमीटर फिर सोएंगे। हेलो भाई लोग आपका भाई आ गया है भंडारा पकड़ के आगे 10 किलोमीटर होटल पे। देखिए सामने होटल है, गाड़ी को लगा दिया हूँ होटल में, क्योंकि अभी टाइम बज गया है 6, देखिए 6 बज गया है पक्का। तो अब सोते हैं जी, क्योंकि 8 बजे के बाद फिर 9 बजे के बाद फिर धूप हो जाएगा, फिर नींद नहीं आएगा। देखते आपका भाई नींद में भकवाइल है, रात भर जग गए, कल निकले थे 4 बजे उठ करके 5 बजे, और आपका भाई 6 बजे यहाँ आ गए। तो आपका भाई 700 किलोमीटर में गाड़ी चला दिया हूँ, वहाँ से निकले एक बार डीजल लिए, एक बार यहाँ आ गए नॉन स्टॉप। एक दो बार टायर देखने के लिए रुके थे, टायर देख लिए थे, रुक के चलते रहे। चले बोलो अब करते हैं ब्लॉक के एंड, क्योंकि अभी 2 घंटा सो जाते हैं, नहीं तो फिर धूप होने से नींद नहीं आएगा, फिर दिन भर भकवा लेंगे, चाहिए गाड़ी नहीं चलेगा। चले बोलो अब सोते हैं, अब करते हैं ब्लॉक के एंड, मिलता है से नेक्स्ट ब्लॉगों में। और भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और भाई को बड़े से प्यार बनाए रखिए। लव यू भाई लोग, गुड मॉर्निंग।